आज फिर मैं आपके साथ आ गया हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक लेके, और आज मैं फिर आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और किस किस के साथ जा रहे हैं। तो वही लूंड है, पर आज एक और लूंड हमारे साथ जुड़ गया है, तो उसको बताते हैं। पर आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉक को। मैं हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी सिर्फ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। आज मेरा दोस्त और मैं देखिए कितने बड़े बड़े पानी के डब्बे लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाना है। और यहाँ पे बड़ी ज्यादा चढ़ाई है, इसलिए हमें पानी भी लेना पड़ रहा है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं और बताते हैं हम क्या देखने जा रहे हैं। होंगे मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, हम यहाँ पे रेस्ट करने नहीं बैठे हैं। मुझे पीछे एक बड़ा अच्छा व्यू दिखा है, तो आप ही देखिए उस व्यू को और बताएं किस तरह है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, इस जगह में छोटा सा एक मंदिर भी है, तो आइए उसको बताते हैं। आप देख सकते हैं मेरी कितनी ज्यादा सांस फूल चुकी है, क्योंकि ये बड़ी ऊंचा है, बड़े भाई ऊंचाई में है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। आप सभी को एक बात बतानी थी कि मैंने अभी तक 5-6 ब्लॉग डाले हैं, पर मेरे को एक भी ब्लॉग में वो रिस्पांस नहीं आया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार इस ब्लॉग को देखें और एक बार इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे जैसा बंदा भी यूट्यूब में आ सके और ग्रो कर सके। तो आइए आप देखिए इस दृश्य को। हम ना आए, देख सकते हैं कितनी मुश्किल से हम नीचे लो रहे हैं, हम नीचे को लो जा रहे हैं पर ऊपर से आ नहीं रहे हैं। आप सभी कमेंट में बताइए क्या चीज है, अगर आप बता देंगे तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी होगी, अगर नहीं बताएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप नहीं बता रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके आप सभी देख रहे हैं वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही होगी कि नहीं दिखाई दे रही होगी पता नहीं, पर हम वहाँ पे जा रहे हैं, वो दूर दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो आइए चलो इस जंगल की खूबसूरती, इस खूबसूरती के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। देख सकते हैं यहाँ पे इस जंगल का हाल, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं आया और कई सालों से नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए मैं इस जंगल में आया हूँ, और देखिए मेरे दोस्त कहाँ तक जा रहे हैं। ना छुप छुपाए हम बड़ी ज्यादा थक गए, हमें सभी को पसीना पड़ चुका है, देख सकते हैं। ये इसको बताते हैं हम, ये देखिए नया चतुरु आया, देखते हैं हमने अपने जुगाड़ के लिए क्या क्या लिया है। इसमें पानी है और बड़े ज्यादा खाने का सामान भी लिया हमने दुकानों से, देखते हैं खुशबू मारा बैठ गया है। और ये मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम में लाइव चला है, इसको इंस्टाग्राम में फॉलो करें। मेरे बड़े बुरे हाल हुए हैं और मेरी बिल्कुल ही फट चुकी है। आपको वो पीछे वाली गुफा दिखाई दे रही है, हम उधर से आए थे, वो ऊपर देखा है उधर उधर से आए थे। आपकी जहाँ दे रही है, मैं अपनी जहाँ दे रही हूँ, मैं रख के जा रहा हूँ, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है, तो इसलिए प्लीज इसको वायरल करें। मुझे नहीं लगता है इतने ज्यादा खतरे किसी यूट्यूबर ने उठाए होंगे, सिर्फ मैं आपके लिए इसी के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक करें शेयर करें। इतनी नजदीक हम इतनी मुश्किलों से आइए आइए जानवर है, आइए बताते हैं कौन सा, आइए आइए
देखी से चुप रही थी ये आदि मान नमूने बना जाएगा। ये जो आया हमारे साथ ये यहाँ पे जंगल में रहता है और इसको पता है यहाँ पे कोई जानवर होगा। अभी मेरे को लगा यहाँ पे कुछ खतरनाक सा जानवर रहता है, इसलिए इसने आवाज निकाल के उनको चेतावनी दे दी कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्राचीन बोर्ड हुआ उसमें पानी पीते हैं, आइए देख सकते हैं कितना सुंदर। और ये प्राकृतिक पानी है और बिल्कुल ये अच्छी बॉडी है, तो आप सभी को पता होगा बॉडी क्या होती है। अगर नहीं पता है तो फिर भी आप गूगल में जाके देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ से बोतल भर के पीते हैं। बिल्कुल हम करेक्ट जगह पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ी गुफा है। यहाँ कोई सिद्ध बाबा रहता था, ये नहीं पता कौन सा बाबा रहता था, पर आइए चलिए। बड़ी प्राचीन है यहाँ पे, ये भूता और उनके सामान, खाने पीने का सामान, और नीचे भी एक गुफा है, उधर भी एक गुफा है। रात के हुए देखना सोए सोए ना हो। तो यहाँ पे कई सालों से कोई भी नहीं आया है, सिर्फ हम ही पहुंचे हैं और हमारा कैमरा पहुंचा है। इस बात के लिए एक लाइक बनता है। हमारे साथ गांव का लड़का आया था, इसने बोला था चलो आप जा सकते हैं, तो देखते हैं हम कितना खर्चा उठा के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस टाइम गुफा के अंदर पहुंच गए हैं, पर इस गुफा में हमें बोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं वीडियो शूट करके आपको रिकॉर्ड के माध्यम से बता रहा हूं। तो आप जैसे देख रहे हैं हम शेरों की मूर्ति दिखा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और वो वाला स्थान आए हुए जहाँ पे दूध निकलता है थनों से, पर अब वहाँ पर पानी निकलता है क्योंकि किसी ने जूठा कर दिया था, इसलिए अब पानी निकलता है। और थोड़ी ही देर बाद हम उस स्थान में पहुँच जाएंगे जो मणिकरण को दाता है। देख सकते हैं आप इस यहाँ पे जो भी दोस्त थे मेरे, वो सभी डर चुके हैं, सबसे ज्यादा मैं डर रहा हूँ, इसलिए चलो बात की तरफ चलिए। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सक। बोल रहा हूँ इससे ज्यादा खतरनाक चीज आज तक नहीं देखी थी, तो आपको भी ये करना है कि इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा और लाइक करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हम कोई ज्यादा बड़े नहीं है और ज्यादा स्पेशलिस्ट किसी चीज के नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ एक गांव का लड़का है और हम 5-6 दोस्त हैं। आप सभी से बताता हूँ कि इस टाइम हम सब की मतलब बुरे हाल हो गए, हम सभी डर चुके हैं, तो पर कई जो हमारे दोस्त थे वो ज्यादा ही बहादुर हैं, तो वो नीचे गए हुए हैं, तो हम दूर से बताते हैं। और जो जो नहीं गए थे वो ये हम अपनी शक्ल बता दे और वो नीचे देखो वो हमें आवाज डाल रहा है, पर हम नहीं जाएंगे, आपको बताते हैं कौन गए थे। ये है तीन लड़के गए हैं, पर हम नहीं जा सकते अंदर क्योंकि हम इतने बहादुर नहीं है। पर हाँ आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी जगह में जाए ना तो ज्यादा बहादुर नहीं बने, क्योंकि पता नहीं होता आगे क्या हो सकता है और क्या। ये तो गांव का लड़का है इसलिए इसको पता है यहाँ पे क्या क्या है, तो इसलिए हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि हमारे इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जैसी प्राचीन जो जगह है वो फेमस हो और उनमें ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। तो ओके बाय। देखो कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं ये, और इनको बड़ा ज्यादा हिम्मत है। ये गांव का लड़का है और ये मेरे दोस्त है जिसको मैं सबसे कमजोर समझता था, वो सबसे बहादुर निकला। ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। अब हम इस ब्लॉग को अंत करते हैं और इस ब्लॉग के अंत के साथ इस ब्लॉग करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और इसी तरह से इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब